में हिंदू युवक पर जान लेवा हत्या किया गया है। जय श्री राम के स्टेटस लगाने से कट्टरपंथी इतना भड़क गए और सर तन से जुदा गैंग एक बार फिर से एक्टिव हो गया। तो सर से तन जुदा करने की धमकी के बाद पिटाई की गई है। 8 से 10 मुस्लिम युवक हैं, इन पर हमला करने का आरोप है। हिंदुवादी नेता होने की वजह से पिटाई की गई है, दीपक ने कहा। दीपक ने भागकर अपनी जान बचा ली और पीड़ित की शिकायत पर अब इस पूरे मामले की जांच शुरू हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रखी है मेरठ से, जहां पे हिंदू युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। जय श्री राम के स्टेटस लगाने से जो कट्टरपंथी है वो भड़के और एक बार फिर से देखिए किस तरीके से जहर उगलते हुए यहाँ पे नजर आए और जान से मारने की, सर तन से जुदा करने की धमकी दी और उसके बाद पिटाई की। तो दीपक की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसको पूरी तरह से पीटा गया। इसके अलावा वो चेहरे भी हम आपको दिखा रहे हैं जिन पर आरोप है कि उन्होंने दीपक को पीटा है। जय श्री राम का स्टेटस लगाने के बाद कट्टरपंथी मानसिकता वाले लोग इतना भड़क गए कि सर तन से जुदा का नारा देकर दीपक को पीटा गया। दीपक का कहना है कि किसी तरीके से भाग कर उसने अपनी जान बचाई है। लेकिन इन सबके बीच रोहित बड़ा सवाल ये हो जाता है कि आखिर ये गैंग इतना ज्यादा एक्टिव क्यों है, क्यों हमेशा धार्मिक भावनाओं को लेकर इस तरीके से जो माहौल है वो खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ जय श्री राम का यहाँ पे स्टेटस लगाया और इसके बाद देखिए सर तन से जुदा करने की धमकी दी और इसके बाद पिटाई भी कर दी।